आज का सेशन आप सबको पता है कि हमारा बेसिक प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं है, आज जस्ट डिस्कशन है एथेरियम के वाले से। सबने सुना है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और एक्साइटिंग है, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एथेरियम, तो एथेरियम आप एथेरियम का वेट एलिवेटर से भी ज्यादा करेंगे। इसकी अपनी डिमांड है, इसकी अपनी स्ट्रेटजी है, वर्किंग स्टाइल इसका डिफरेंट है और इसमें हमारे लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा हैं और बड़े मजे की हैं। सो एथेरियम को अंडरस्टैंड करने के लिए सब दोस्त अभी आ चुके हैं तो मैं मजीद वेट नहीं कराना चाहूंगा, टाइम इज ऑलमोस्ट जो है वो बल्कि ज्यादा हो चुका है। सो एथेरियम बेसिकली गाइस एक जबरदस्त यूटिलिटी है ओमनी शेयर के लिए। आपको पता है कि स्टॉक बनाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन स्टॉक को चलाना, उसके अंदर जस्ट डिमांड पैदा करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी मतलब ओनर के लिए, कि मैंने अपने स्टॉक को कामयाब कैसे करवाना, उसकी डिमांड कैसे बनेगी, लोग उसको क्यों और कैसे खरीदेंगे। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबको पता है दिल्ली जोन में भी हम सुनते हैं कि हमारे पास 13 प्रोजेक्ट हैं जो कि इसके यूटिलिटी प्रोजेक्ट हैं, जो कि इसकी डिमांड क्रिएट करेंगे, लेकिन वो वन बाय वन आ रहे हैं। जैसे ओमनी स्टॉक आया, ओमनी स्टॉक में डिमांड इसकी 100% ग्रो कर गई, इसी तरह बल्कि $9 तक भी गई, इसका ATH जो है वो $9 प्लस है, ऑल टाइम हाई। इसी तरह फिर ओमनी एक्सचेंज भी आई, वो भी फंक्शनल होने जा रही है। इसके अलावा अभी मैं बात करूँ जो लेटेस्ट और सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो है एथेरियम। एथेरियम इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी बिहाफ पे कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि ओमनी शेयर की प्राइस $100 को क्रॉस कर जाएगी।